आज हम बुलाएंगे, शी इज एन एक्स लेक्चरर फ्रॉम थाने, एक इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड शी हैज टू अडल्ट चिल्ड्रन, बॉयज है दोनों, दोनों कॉलेज कॉलेज में है, एंड हस्बैंड इज एन आईटी प्रोफेशनल. शी इज अ ग्रोइंग लीडर इन आर बिजनेस. बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स वो दूसरों को रेकमेंड करते हैं, खुद भी यूज करते हैं, बट द ब्यूटी इज दैट वो रेकमेंड सॉलिड कर देते हैं एंड हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. सो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिसेस अनघा महतो टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट जो डेफिनेटली मोस्ट पीपल यहाँ पे उनको बेनिफिशियल हो जाए. सो शी विल बी जस्ट टॉकिंग, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अनघा एंड देन वी विल शेयर द पीपीटी. Yeah, hello and a cool good morning to all of you. I am Anagha Mehto, as introduced by my mentor and leader upline, Dr. Sonal Jomraj. So I will be talking today about on glucose health, commonly known as sugar. So I will be showing few my presentation through a few PPTs. So sugar hota kya hai aur kyun hota hai? Just a second. Anagha, I am sharing the PPT. Yeah. So on the first slide, please. Sugar hamari body mein कुछ और कैसे रीजन से जाता है. दीज आर द फ्यू हिडन सोर्सेस थ्रू विच शुगर एंटर्स आवर बॉडी, दैट इज सैलेड ड्रेसिंग, फ्रूट जूसेस, सीरियल्स एंड ग्रेनोला, देन सॉसेस एंड केचप्स, अल्कोहल, ब्रेकफास्ट बार्स एंड वाइट एंड होल व्हीट ब्रेड. या नेक्स्ट स्लाइड. सो अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज. हिंदी में प्लीज. या जी जी. तो हमारा इंडिया जो कि डायबिटीज का कैपिटल है, अकॉर्डिंग टू WHO 69.2 मिलियन पीपल वेर हैविंग ग्लूकोज लेवल्स इन 2015, एंड टिल 2030 इट इज प्रेडिक्टेड दैट 98 मिलियन पीपल इंडिया में ग्लूकोज से अफेक्टेड होंगे. सो व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या चीज इफेक्ट करती है ग्लूकोज प्रॉब्लम्स में, जैसे कि ओवरवेट, देन एज, एज फैक्टर होता है जिस वजह से भी डायबिटीज होती है एट द एज ऑफ 45 और मोर ओल्डर देन दैट, पेरेंट्स और सिबलिंग्स, मीनिंग की हेरिडिटरी आता है आपके लाइफ स्टाइल में, देन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर हम कुछ ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, बहुत ही लेथार्जिक लाइफस्टाइल रहती है, तो उस वजह से भी हमको ग्लूकोज की प्रॉब्लम हो सकती है. देन जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स. सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन द ग्लूकोज लेवल्स, तो इस वजह से हमको क्यों है जो कि ग्लूकोज लेवल्स पे चेक रखना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है. इट्स लाइक अ स्लो किलिंग, हमें जल्दी पता नहीं चलता, बहुत लेटर पता चलता है. तो क्या क्या बॉडी पार्ट्स इफेक्ट्स होते हैं उससे, जैसे हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी डिजीज, देन आई प्रॉब्लम, डेंटल डिजीज एंड फूट एंड मेनी मोर थिंग्स कैन हैपन. So we have to keep a check on our insulin levels also if we are taking insulin from outside. So there are basically three types of diabetes. First is type 1 diabetes, second is type 2, and the third one is gestational. और ये होते किस वजह से हैं? क्योंकि body does not generate sufficient insulin for the glucose regulation. Then second may insufficient insulin secretion for the blood glucose regulation, or lastly is the gestational, क्योंकि ये pregnant women's में आ सकता है और this can go also. So what are the symptoms? क्या symptoms होते हैं जिससे कि पता चले कि आपको glucose का आप sugar से ग्रसित हैं? So these are the few symptoms. आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी,
वेट लॉस होगा बहुत ज्यादा, टिंगलिंग और नमनेस फील होगी हैंड्स एंड फीट्स में, देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट टाइम, देन एक्सट्रीम फटीग, सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड ऑलवेज थर्स्टी, हमेशा आपको पानी की जरूरत पड़ेगी. देन देयर इज द एक्सरसाइज रिजीम दैट यू नीड टू फॉलो अगर आपको आपके ग्लूकोज लेवल्स हेल्दी रखने हैं. तो फर्स्टली आई विल रेकमेंड कि एरोबिक एक्सरसाइजेज जरूर करें, एटलीस्ट हाफ आवर का ब्रिज वॉक करें, स्विमिंग, स्टेशनरी बाइक, देन एलिप्टिकल ट्रेनिंग्स, देन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, फंक्शनल ट्रेनिंग्स एंड बैलेंस ट्रेनिंग्स. और डाइट से आप कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स इन योर डाइट. आपको अवॉइड करना है रूट और ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो, देन यैम, ये सारी चीजें, कैरेट, रेडिश, देन अवॉइड शुगर, ग्लूकोज, जैम्स, जैगरी, जिससे जो कि एक्स्ट्रा शुगर आपके बॉडी में जाता है, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए. देन फ्राइड फूड्स, सैलेड, सैलेड ड्रेसिंग्स, इंक्लूड प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, देन एक्सेस फैट एंड ऑयल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, अवॉइड अल्कोहल एंड इंक्लूड हाई फाइबर डाइट्स इन योर डाइट, सो दैट डाइटरी. And there are diabetic medications that can be taken. So Nutrilite has given us Madhunashini, Shunti and Twa. So Nutrilite is world's number one vitamin and dietary supplement brand founded by Carl Ridden, and it has organic farming. 64,000 acres of certified organic farms are there. And whatever products we use of Nutrilite are PSP, meaning purity, safety and potency. So So Madhunashini ke baare mein hum baat karte hain, to Madhunashini ke ek tablet mein aapko Madhunashini jo leaves se milta hai wo extract milta hai uska 25%, then Shunti means sunt, उससे आपको 10% पॉलीफिनॉल्स मिलता है, और जिंजरेल्स माने ट्वाक दालचीनी से 4% मिलता है. ये सब क्या करते हैं, आपको आपकी शुगर क्रेविंग्स को कम करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को काउंट में रखते हैं एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखते हैं. तो न्यूट्रलाइट के मधुनाशिनी के बारे में बात करें तो ये क्या क्या चीज आपको देती है, क्या क्या फायदे देती है. ये हेल्प करती है आपके सपोर्ट ग्लूकोज हेल्दी लेवल्स को, मेटाबॉलिज्म को, देन मेंटेन हेल्दी ग्लूकोज लेवल्स, पैनक्रियाटिक फंक्शंस को सपोर्ट करती है, देन एंटीऑक्सीडेंट देती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है टू कीप इट इन नॉर्मल लेवल्स. तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइट एमएसटी की, तो रिकमेंडेड उसका डोसेज रहता है 1 to 2. अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप एक ले सकते हैं, और आप अगर डायबिटिक हैं तो दिन में 2 गोली ले सकते हैं, और दैट टू बिटवीन द मील्स और आफ्टर द मील्स, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि जब आप कुछ खाते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है, तो उस समय अगर आपने खाया रहता है मधुनाशिनी तो वो आपके स्पाइक लेवल्स को रेगुलेट करता है. इस वजह से आप या तो मील्स के साथ लीजिए या मील्स के बाद लीजिए, और इसका कॉस्ट पर टैबलेट सिर्फ 10 रुपए 80 पैसे. सो बीट द डायबिटीज, कैसे हम डायबिटीज को बीट कर सकते हैं, बी फिजिकली एक्टिव, ईट हेल्दी डाइट, देन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग को कंट्रोल में रखें, एंड टेक मेडिकेशन अलोंग विद द सप्लीमेंट्स एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर. So this was all about from myself. Stay cool and stay hydrated. Thank you, Sonal ma'am, for giving me opportunity to speak here. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you, Anagha. So I must tell you ki Anagha herself is taking Madhunashini. वो खुद ले लेते हैं, इसलिए वो उनका खुद का एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कैसे इससे फर्क पड़ जाता है. हमारे पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि मधुनाशिनी जब भी आप लेते हो आपके रेगुलर मेडिकेशन के साथ, तो आप टू अ लार्ज एक्सटेंट आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में भी ला सकते हैं,
एंड यू कैन ऑल्सो रिवर्स डायबिटीज अगर इतने ज्यादा लेवल्स नहीं रहेंगे. सो विद अ कंट्रोल्ड रेजीम जो एक्सरसाइज रहता है एंड विद गुड प्रॉपर ईटिंग न्यूट्रिशनल डाइट विद मेडिकेशन एंड विद प्रॉपर सप्लीमेंटेशन यू कैन वेरी वेल बी वेरी वेरी हेल्दी. और जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं क्योंकि डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं एज अ डॉक्टर वी नो दैट इतने सारे यू नो सिस्टम्स पे काम करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर.